सब्सक्राइब करिए नॉलेज वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट नॉलेज वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज आपको नॉलेज वर्ल्ड उत्तर प्रदेश के 5 बाहुबली नेताओं के बारे में बताएगा, जिन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों उन 5 बाहुबली नेताओं के बारे में। हरिशंकर तिवारी। हरिशंकर तिवारी गोरखपुर के रहने वाला है। राजनीति का अपराधीकरण गोरखपुर से शुरू हुआ था, तो एक हरिशंकर तिवारी इसके सबसे बड़े अगुवा थे। एक जमाने में पूर्वांचल की राजनीति में तिवारी की तूती बोलती थी। हरिशंकर तिवारी पूर्वांचल का ऐसा माफिया है जो सत्ता में बने रहने के लिए कभी और कहीं भी पाला बदलता रहता है। पहले कांग्रेस में था, फिर बीजेपी और उसके बाद SP का साथ दिया और अब इनका पूरा कुनबा BSP में है। हरिशंकर तिवारी गोरखपुर से 6 बार विधायक रहे। इनके 2 बेटे विनय तिवारी गोरखपुर से और दूसरे बेटे कुशल तिवारी संत कबीर नगर से BSP के टिकट पर उम्मीदवार हैं। हरिशंकर तिवारी के नाम से पूरा इलाका कांपने लगता है। रेलवे साइकिल स्टैंड से लेकर सिविल की ठेकेदारी में इस डन ने पैसा ही नहीं बल्कि स्या और दबंग रसूख भी कमाया है। अतीक अहमद। देश की सियासत में कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने जुर्म की दुनिया से निकलकर राजनीति की गलियों में कदम रखा। वे राजनीति में आकर भी अपनी माफिया वाली छवि से बाहर नहीं निकल पाए। उनके कारनामों ने हमेशा उन लोगों को सुर्खियों में बनाए रखा। यूपी की सियासत का एक ऐसा ही नाम है अतीक अहमद। इलाहाबाद के रहने वाले अतीक अहमद को एक खतरनाक बाहुबली नेता के तौर पर जाने जाते हैं। अतीक अहमद फूलपुर से सांसद रह चुके हैं। इस लोकसभा सीट से कभी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सांसद चुने गए थे। अतीक के 2014 के चुनाव में अपने हल्फनामों के अनुसार उनके खिलाफ 42 मामले लंबित हैं, जिसमें हत्या की कोशिश, 6 अपहरण, 4 हत्या का आरोप है। इसमें सबसे सनसनीखेज मामला बसपा विधायक राजू पाल का है। अपराध की दुनिया में नाम कमा चुके अतीक अहमद को समझ आ चुका था कि वो सत्ता की ताकत कितनी अहम होती है। इसके बाद अतीक ने राजनीति का रुख कर लिया। वर्ष 1989 में पहली बार इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट से विधायक बने अतीक अहमद ने 1991 और 1993 का चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा, विधायक भी बने। 1996 में इस सीट पर अतीक को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और वह फिर से विधायक चुने गए। मुख्तार अंसारी। पूर्वांचल से युद्ध कई नेता हैं, लेकिन एक ऐसा भी नेता इस क्षेत्र से आया जो अपराध की दुनिया से राजनीति में आकर पूर्वांचल का रॉबिन हुड बन गया। उस बाहुबली नेता का नाम मुख्तार अंसारी। प्रदेश के माफिया नेताओं में मुख्तार अंसारी का नाम पहले पायदान पर माना जाता है। मुख्तार अंसारी भी पूर्वांचल में बाहुबली नेता के तौर पर जाने जाते हैं। मऊ विधानसभा क्षेत्र में एक रिकॉर्ड 4 बार से विधानसभा के एक सदस्य के रूप में निर्वाचित हो रहे हैं। उनके ऊपर BJP के बाहुबल नेता कृष्ण नंद राय की हत्या करवाने का आरोप है। हालांकि इस मामले में दोष सिद्ध नहीं हो सका है। कभी माफिया ब्रिजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच शुरू हुई दुश्मनी से पूर्वांचल की धरती लाल हो गई थी। हालांकि दोनों गुटों के बीच हुए एक मुठभेड़ में ब्रिजेश सिंह की मौत की खबर आई, लेकिन कई सालों के बाद ब्रिजेश सिंह को नाटकीय अंदाज में जिंदा पकड़ लिया गया। अंसारी का कब्जा अब ठेकेदारी, खनन, स्क्रैप, शराब, रेलवे ठेकेदारी में है, जिसके दम से उसने बहुत बड़ा व्यवसाय खड़ा कर लिया है। अब वो पूरी तरह राजनीति में सक्रिय है। 2014 के लोकसभा चुनाव में उसकी हर साल ने प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी और पूरी टीम को परेशान करके रख दिया था। राजा भैया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया एक जाना पहचाना नाम है। चुनावी करियर के माहिर राजनेता हवा का रुख भांपते हुए अभी से अपनी स्थिति मजबूत करने में लग गए हैं। इसी कड़ी में सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया एक बार फिर चर्चा में हैं। CM अखिलेश यादव पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधने के बाद उनके BJP में शामिल होने के कयासों के बीच राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गई है। राजा भैया पर DSP जियाउल हक सहित कई हत्याओं का आरोप है। उनके ऊपर मायावती ने अपने कार्यकाल में पोटा कानून लगा दिया था। राजा भैया का पैतृक निवास प्रतापगढ़ जिले की कुंडा तहसील है, जिसके बारे में बहुत दिनों तक कहा जाता था कि राज्य सरकार की सीमा यहां से समाप्त हो जाती है। अमरमणि त्रिपाठी। यूपी की राजनीति में रुचि रखने वाला शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो अमरमणि त्रिपाठी के नाम से परिचित नहीं होगा। अमरमणि त्रिपाठी पूर्वी उत्तर प्रदेश से एक प्रभावशाली राजनेता हैं। ये उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। त्रिपाठी ने अपने राजनीतिक सफर में कई पार्टियों का दामन थामा। वह कई बार विधायक चुने गए। सितंबर 2003 में यूपी के एक युवा कवित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या के सिलसिले में ये गिरफ्तार हुए। वर्तमान में कवित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। अमरमणि त्रिपाठी पर इस हत्याकांड के अलावा भी कई मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन राजनीतिक रसूख के चलते किसी भी मामले को सुलझाया नहीं जा सका। पिछले साल ही उनकी बहू की भी एक कथित एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसमें उनके बेटे का हाथ सामने आया था। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।